ईमा टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखें सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड सिवान बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, सीओपीडी, लंग कैंसर, आईएलडी, आज ही पहुंचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक डॉक्टर आजाद आलम। आपके शहर सिवान में बैठ रही हैं राज हेल्थ केयर सेंटर की महिला स्त्री एवं प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता राज। यहां नॉर्मल डिलीवरी की विशेष सुविधा उपलब्ध है, ऑक्सीजन एवं नेबुलाइजर की सुविधा उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें राज हेल्थ केयर सेंटर, पता बढ़रिया स्टैंड भीटू मॉल के बगल में, हनुमान मंदिर के सामने, पकड़ी मोड़ सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर एम एस अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड सिवान। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। बात करेंगे, आज हम लोग आ चुके हैं पकौलिया नगर वार्ड में। पहले पंचायती रूप में सम्मिलित था, लेकिन अब ये पकौलिया जो वार्ड में आ चुका है और यहाँ पे कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो निकल के आ रहे हैं इस बार चेयरमैन प्रत्याशी के लड़ने के लिए अपना अपना दादाजी कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बबलू शाह, जो पूर्व में उप चेयरमैन रह चुके हैं और इस बार सभापति का चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं और अभी दौरा कर रहे हैं पकौलिया नगर पंचायत का, नगर वार्ड का। आइए मुलाकात करते हैं कि किस तरह इन्होंने भ्रमण किया, क्या इन्होंने जब प्रतिक्रिया मिला लोगों का और किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। आप अभी सिवान के चारों कोना में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, अभी आज पहुँचे हुए हैं पकौलिया नगर वार्ड में। पहले पंचायत में सम्मिलित था, लेकिन अभी नगर वार्ड में आ चुका है। किस तरह का विकास यहाँ पे देखना चाहेंगे आप? मैं आज पकौलिया गांव में हूँ, जो पहले गांव ग्रामीण मतलब था, आज वार्ड में आ गया है। और पकौलिया गांव की सम्मानित जनता बहुत ही अच्छी जनता है, बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों को मान सम्मान भी दिया जाता है, हमको मिल रहा बहुत।
जहाँ जाइए लोगों को बैठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ गांव में समस्या है, जैसे अंदर गांव में रोड नाली नहीं बना हुआ है, लोगों का कहना है कि भाई रोड नाली बन जाए, स्कूल का समस्या है स्कूल ही बन जाए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि चुनाव में जीतूंगा, जितना हो सकता है इस गाँव में रोड नाली हो, क्योंकि सामुदायिक भवन इस गाँव में नहीं है। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर अगर जगह की व्यवस्था होता है तो मैं सामुदायिक भवन जरूर बनाऊंगा, ताकि यहाँ के गरीब बच्चे बच्चे का शादी अच्छा से आराम से हो सके, इस तरह का तकलीफ ना हो सके, और जितना भी हो सकता है अपने नगर परिषद तरफ से काम बन जाए। सभी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो विकास करेंगे, हमने कहा पुल का, सामुदायिक भवन का, तो हर मुद्दे पे हर न कोई कोई बात कर रहा है, लेकिन ये सच्चाई किस तरह से दिखे जाएगा कि जब अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वो पहल समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, इस सिटी के लिए हो सकता है। देखिए लोग आएंगे, बात करेंगे, चले जाएंगे, लोग पैसा बांटेंगे, चले जाएंगे, बात करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन सिवान की जनता और पकोलिया की जनता, सामान्य जनता, वो जानते हैं कि किसके माध्यम से विकास हो सकता है। मैंने चार साल लगातार छठ घर का निर्माण हो, चाहे समुदाय भवन हो, कम से कम 40-50 करोड़ का मैंने शहर में काम करवाया है। मेरे को आइडिया है कैसे काम कराना है, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फंड दे के, क्योंकि यहाँ के सभी लोग, युवा हो, बुजुर्ग हो, माँ हो, बहन हो, सब साथ हैं, लोग फंड देके ज़्यादा से ज़्यादा काम में कराऊंगा। पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, कैसे फंड लाया जाता है, सब आइडिया मेरे को मालूम है, और मैं इस गांव का अच्छा से विकास भी कराऊंगा। तो अभी जनता के पास जा रहे हैं तो किस तरह से वोट मांग रहे हैं, क्या उनसे कह रहे हैं कि आपको जनता क्यों चुनना चाहेगी? मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग अब शहर में आ गए, लोग पहले ग्रामीण इलाका था, अच्छे लोगों को चेयरमैन चुनिए, ताकि गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, शहर की तरह यहाँ पर भी स्कूल बने, सामुदायिक भवन बने, और अच्छा जगह हो, तो यहाँ पे छोटा सा चिल्ड्रेन पार्क भी बने, और सरकारी जमीन मिल जाएगा तो यहाँ जनता है, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये लोग लगातार इस तरह भ्रमण कर रहे हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से आश्वासन प्रत्याशी हैं, चयन प्रत्याशी हैं, हमारा तो यही है कि बबुल शाह जी वाइस चेयरमैन पहले रोहित हैं, लमसम 4 बार हो चुके हैं, अच्छा जी शहर में काम किए हैं, और शहर में अच्छा भी काम करते हुए ही अगर तो जनता सब वोट देगी, अब तक पार्षद लोग वोट नहीं देगी, लेकिन हम जनता से अपील कर रहे हैं कि हमारा बबलू जी के एक बार वोट दे के जिताइए चेयरमैन से, ताकि पकोले गांव का हम लोग अच्छा से विकास। यहाँ पे ग्रामीण जनता है और उनसे बात करता है, ये तो हम चाहेंगे आप बात सुने कि यहाँ पे जो अभी चेयरमैन तो किस तरह से विकास चाहिए, प्रत्याशी लोग घूम रहे हैं, विकास चाहिए आप लोगों को, क्या कुछ कहेंगे आप, युवा है, किस तरह का विकास चाहिए आप लोगों को? प्रत्याशी जीते तो गांव के लिए सभी समर्थकों को अच्छा से अच्छा लाभ मिले, अच्छा से लाभ मिले। चलिए देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर अपने अपने दगाई कर रहे हैं, और हर क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरह से प्रत्याशी के रूप में गांव के आप हैं, क्या चाहते हैं यहाँ के, किस तरह का विकास हो? जो भी जीतेंगे वो विकास करेंगे, हम लोग को विकास चाहिए। किस तरह का विकास चाहिए, क्या क्या विकास? बढ़िया रोड नाला जो है, जो नहीं बनाया सब वही चाहिए। हाँ जी, तो आप लोग विकास चाहिए, नाला का, रोड का, नाली का, यही पंचायत में समझा था, लेकिन अभी नगर पालिका का, और यहाँ पे भी कई प्रत्याशी, चेयरमैन का, उप चेयरमैन का, और इस क्रम में हम लोग लगातार का दौरा कर रहे हैं, और जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि उनका मुद्दा क्या है, चुनाव लड़ रहे हैं तो किस मुद्दे के तहत वो चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया के मंगलवार के साथ, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लगातार चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए हमारे चैनल को, और आगे के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।